मेरे दोस्तों, सुकून की अगर बात करोगे तो सुकून किस जगह पर मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? कुरान पाक में तीन चीजों के बारे में सुकून का लफ्ज या वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पहला, जहाँ बीवी का तذکرہ हुआ है, फरमाया लितस्कुनु इलैहा, तुम इससे सुकून पाओ। जहाँ पर घर का तذکرہ हुआ है तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वल्लाहु जाल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि तुम्हें घर में रहने से सुकून मिलता है। और तीसरा, जहां रात का तذکرہ हुआ है तो कुरान मजीद में वहां सुकून का तذکرہ फरमाया और कहा, वजालना लैल सकना, कि हमने रात को तुम्हारे लिए सुकून की चीज बनाई। तो मालूम हुआ कि जो मर्द अपने घरों में बीवियों के साथ रात गुजारते हैं, कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला उन्हें 3 गुना सवाब अता फरमाता है। और जिनको बाहर वक्त गुजारने की आदत होती है, वो सुकून से हमेशा खाली रहा करते हैं। ताहम कुछ ऐसे भी घराने होते हैं जहां पर अज़दवाजी ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं होते, कहीं बीवी की गलती तो कहीं मियाँ की गलती, और कहीं कहीं पर तो दोनों की ही गलती होती है। तो इसके लिए एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पर एक अमल हमको मेरे आंखों के सामने से गुजरा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि क्या है कि जितनी भी औरतें या जितना भी मर्द जो शादीशुदा है, वो तो जरूर पढ़े इसको, और जो गैर शादीशुदा है, यंग है, वो भी इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि जब अल्लाह ताला अपने वक्त पर उनके घर को आबाद करेंगे तो इंशाल्लाह उनको खुशियां नसीब होंगी। इस अमल की इजाजत एक बुजुर्ग ने उसमें लिखा था कि एक बुजुर्ग ने उनको दिया था, और वो ये था कि जब आप कोई भी नमाज पढ़ें, फर्ज हो, वाजिब हो, नफल हो, उसकी आखिरी अत्तहियात में, यानी कि अगर 4 रिकात वाली नमाज है तो लास्ट का जो 2 रिकात है, आखिरी का जो 2 रिकात है, तो क्या है, उस आखिरी के 2 रिकात में आपको सलाम फेरना होता है। ठीक है, इसमें जब आप रब्बना आतना या कोई भी दुआ पढ़ते हैं और सलाम फेरने लगते हैं, तो उस वक्त सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ भी पढ़ा करें। और वो दुआ नहीं है, कुरान की एक आयत है। वो क्या है, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना वजुर्रियातिना कुर्रता आयुनी वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। सूरह फुरकान की आयत है ये, क्या बोलता है, सूरह फुरकान की आयत है ये, आयत नंबर हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला आप घर के सारे अफराद को आपकी आंखों की ठंडक बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप घर के सबसे ज्यादा दुलारा बने, घर के सबसे ज्यादा प्यारा बने, सबकी नजर में इज्जतदार बने, रिस्पेक्टेड रहे, तो आप इनको कसरत से अमल करें। तो यहाँ पर मैं एक बात और कहना,